आई थिंक मेरे आँख में मेरा ही बाल चला गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से। पहले तो घर समेटूँगी, घर में झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद ब्रश करूँगी, उसके बाद मैं बाल बनाऊँगी। ओके, सो सबसे पहले ब्रश करते हैं। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look. So yeah, मैंने अपना सारा काम कर लिया और यार आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और मैं हूँ अपनी बालकनी में। सो आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, सच्ची में बहुत अच्छा है। बादल कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, वाओ वाओ वाओ। सो गाइज, मैंने नाश्ता कर लिया और मैंने घर का काम भी सारा कर लिया और ये सो आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और आज भी बारिश भी हुई थी, मतलब रात में ही बारिश हुई थी और सुबह भी बारिश हुई। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, तो चलो चलते हैं छत पे। ओके लेट्स गो। वाओ यार कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। वाओ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पता छत पे। और आज ना मुझे कपड़े भी उठाने हैं, मतलब मैंने सुबह डाले थे कपड़े और अभी उठाने। और यार थोड़ी रोशनी भी है बहुत ज़्यादा छत पे, बहुत ज़्यादा रोशनी। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember. So finally guys, मैंने सारे कपड़े उठा लिए, ये रहे। और अब मैं थोड़ा छत में घूम लेती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और ये रहा मेरा छत का व्यू। सो वाओ यार सच में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और हवा कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। नीचे देखे क्या, अरे यार फ़ोन ना गिर जाए बस मेरा। वाओ यार बादल भी बहुत अच्छे हैं, बट रोशनी कुछ ज़्यादा ही है आँखों में लग रही है मेरे। और अब मुझे ये जितने भी क्लिपें हैं ना, इन्हें सबको बॉक्स में डालना है, क्लिप के बॉक्स में। और तो फटाफट से हम इन्हें बॉक्स में डालते हैं। और ये रहा चिड़ियों का खाना और ये पानी तो अब फाइनली हम नीचे चलते हैं। सो लेट्स गो, फटाफट से नीचे चलते हैं यार। ओ गाइस शिट यार, हद है मेरी भी। आप लोग सोच रहे हो मैं वापस ऊपर क्यों आई है ना, तो मैं इसलिए आई ऊपर क्योंकि मैं क्लिप हाथ में लिए ही नीचे जा रही थी और मैंने इसको बॉक्स में डाला ही नहीं। इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं, हद है यार, मैं क्लिप बॉक्स में रखने ही भूल गई यार। मेरा भाई भी आया था मुझे देखने ऊपर। यार गाइस मेरे से सारा काम खराब हो रहा है। पहले तो क्लिप रखना भूल गई, उसके बाद दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि इतनी कस की आवाज आई ढप। तो अब मैं पता है क्या करने जा रही हूँ, कपड़े ले आई, अब इन्हें समेट के रखूँगी, देन फिर मैं सोच रही हूँ कि अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो एडिट करने हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो खुद ही एडिट करती हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। हाँ मेरा कोई हेल्पर नहीं है यार, चलो कोई नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ता सब कुछ। और अभी 12:30 हो रहे मेरे बाल कितने ज़्यादा अजीब लग रहे हैं ना, ये क्या है ये। आई थिंक मेरे आँख में मेरा ही बाल चला गया
सो फाइनली मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, उसके बाद फ़ोन चलाऊंगी। सबसे बुरी बीमारी है मेरी फ़ोन चलाने की। देखो मैं आपको मिलती हूँ अपना वीडियो एडिट करने के बाद, सो बाय। 2000 years later. सो गाइस मैं आ गई वापस। ओह माय गॉड यार, वीडियो एडिट करने में मेरे को पूरे पूरे 2 घंटे लग गए। हाँ मैं 12 बजे से बैठी थी और अब 2:45 हो रहे हैं। मैंने अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लिया कि मैं 3 घंटे से वीडियो एडिट कर रही थी यार। हाँ 3 घंटे से वीडियो एडिट कर रही थी। और गाइस जब मैं अभी अपने रूम से बाहर निकली वीडियो एडिट करके, तो मुझे पता चला कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। तो यार बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी मैं वीडियो एडिट करके बाहर आई तो मुझे पता चला बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी इतना अच्छा मौसम होता सुबह सुबह, और पता नहीं अचानक से ये सूर्यदेव कहाँ से प्रकट हो गए। क्या कर सकते यार, बहुत गर्मी हो गई यार, फिर से पसीना आने लगा मुझे। इसमें फ़ोन चार्ज में लगाने के बाद मैं सोने चली गई, और सोते सोते मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हलवा खा लूँ। ये यम्मी। गाइस मुझे ना काफ़ी दिनों से मोमोज़ खाने का मन करता था, तो सोचा क्यों ना मैं मोमोज़ लेके आती हूँ, और मैं मोमोज़ लेके आ गई। और ये लाल वाली चटनी पता नहीं क्यों मुझे जली जैसी लग रही है। और ये रही वाइट वाली चटनी। और ये रहे 5 मोमोज़। तो और ये बताए पनीर वाले मोमोज़ है। चलो मैं इसे टेस्ट करती हूँ। सो है अभी को गाइस, तो अब मैं ना ये प्याज काट रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे ये प्याज काटने दिए, चना बनाना है मुझे। गुड जॉब। तो फटाफट से मैंने ये प्याज तो काट लिया, बस अब ये 2 मिर्चा और काटनी है, और टमाटर काटना है। तो चलो फटाफट से काम करते हैं। सो फाइनली गाइस मेरा डिनर रेडी है, और अभी बज रहे हैं शाम के 9। और ये जो चना जो मैं बना रही थी वो है, और ये रही आलू की सब्जी, और उधर थोड़ी सी बची है मैं ही खा लूँगी, हा हा हा। और ये रही मेरी रोटी। सो मैं अब जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। और खाना खाने के बाद मैंने खाया पान, जो भी मेरा फेवरेट है। सो ये तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं छत में थोड़ी देर टहल लेती हूँ इतना सारा चीज़ें खाने के बाद। और अभी छत में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वहाँ पे पता है शाम को चांद था, और अब है ही नहीं बताओ। इतने सारे बादल आ रखे हैं ना, इसलिए चांद ढक गया है, और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। और वहाँ पे जो लाइन से लाइट दिख रही है ना, वो सारी हाईवे की लाइटें जल रही हैं, बिकॉज़ हाईवे की लाइट बंद कर देंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए सारी हाईवे की लाइट जल रही है वहाँ पे। और यहाँ से ना मंदिर भी दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो वो जो लाइट जल रही है ना, रेड ब्लू पिंक, वहाँ पे वो रहा मंदिर। और यहाँ से ना मस्जिद भी दिखती है, पीर मतलब, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही मस्जिद, जिसे पीर कहते हैं यहाँ पे, पीर। मुझे आज तक पता नहीं चला कि पीर और मस्जिद में क्या फ़र्क होता है, हा हा। और यहाँ से ना गुरुद्वारा भी दिखता है, ये देखो ये जो गोल गोल सी रिंग लाइट दिख रही है ना, वो गुरुद्वारा है। सो वाओ। और यार अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं, और हम छत में घूम रहे हैं वो भी पागलों की तरह। और अब मैं खाऊँगी मेलोडी चॉकलेट, जो मेरी फेवरेट है। और थोड़े नीचे देखते क्या हो रहा है। ओह सब जगह दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो आदमी बैठ के क्या कर रहे थे वहाँ पे। तो चलो फटाफट से नीचे चलते हैं। सो हियर वी गो, आई एम बैक। और मैं जा रही हूँ फटाक से ब्रश करने।
सो ब्रश करने के बाद मैंने बनाई अपनी चोटी, क्योंकि मैं रात में चोटी बना के सोती हूँ, और मैंने लगा लिया अपना एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं रात में एलोवेरा जेल लगाती हूँ। सो बाय गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूँगी एक ऐसे ही फनी वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, सांगे एंड बाय।